मतलब लगे मुझे गाने बनाने की, तभी तो फैला ये बंटा है। मैं तो कभी का बोला था बंटा है मैं। तो एमवे बंटाए का होल हार्टेडली का फर्स्ट सॉन्ग बोल वेलकम टू माय सब्सक्राइबर टू योर बॉयज एंड्रेशी दिस चैनल। सो गाइस, एमवे बंटाए का एक गाना आया हुआ है, तू बोलना बंटाए। चलो देखते हैं उस गाने के ऊपर पब्लिक का रिएक्शन क्या है या रिव्यूज उसके ऊपर क्या क्या है। तो एक वीडियो लाया हूँ और गाइज, मैंने अब तक ये गाना सुना नहीं हूँ, बट मैं बहुत जल्दी सुनने वाला हूँ और मैं भी अपना ओपिनियन अभी फिलहाल देखता हूँ कि मैं इस वीडियो के हिसाब से रख सकता हूँ या नहीं। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मगर उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लोगों को बताओ फ्री प्रमोशंस के बारे में। अगर आपका यूट्यूब चैनल कोई भी गलत चीज़ को प्रमोट नहीं करता है तो मैं आपको फ्री में प्रमोट कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप लोग मुझे वहाँ फॉलो कर लेना और डीएम कर सकते हो अगर कोई टॉपिक चाहिए जिसमें सच्चाई आपको देखनी है। और सेकेंड थिंग, अगर आपको कुछ अपना प्रमोट करवाना है यूट्यूब के थ्रू, यूट्यूब पे ही या यूट्यूब चैनल्स, तो आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तलब लगे मुझे गाने बनाने की, तभी तो फैला ये बंटाए। मैं तो कभी का बोला था बंटाए मैं। तो एमवे बंटाए का होल हार्टेडली का फर्स्ट सॉन्ग बोलना तू बंटाए कल रात 12 बजे आ चुका था। और इस गाने को एक बार नहीं, दो बार नहीं, कम से कम हर एक बंदे ने 10 बार तो सुना ही होगा। और एमवे बंटाए ने अपने इस गाने में अपनी पूरी दिल की बात कह डाली है। और जो एमवे बंटाए का ट्रू फैन होगा वही बंदा इस गाने को दिल से समझ सकता है। कसम से जब मैंने इस गाने को फर्स्ट टाइम सुना था तो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता हूँ। हर एक लाइन मुझको काफी ज्यादा इमोशनल कर देती है। अंदर से बोलता हूँ जब भी मैं खड़ा सामने माइक के। तो आज इस गाने का छोटा सा रिव्यू करते हैं और पूरी वीडियो को एंड तक देखते रहना। और एक और चीज, वीडियो अपलोड होते ही शायद हमारे इस चैनल पे पूरे 10K सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो जाए, तो सब भाई को इसके लिए थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले इस गाने में आप सबको काफी प्यारी मेलोडिक म्यूजिक सुनाई देगी जो कि सुनने में काफी अच्छी वाइब देता है। और फिर इसके बाद एमवे बंटाए की आवाज सुनाई देती है जिसमें थोड़ी सी चेंजेस की जाती है, जो कि एमवे बंटाए के वॉइस को चेंज करके बदल दिया गया है। और ये वॉइस सुनने में मुझको काफी इंटरेस्टिंग सी भी लगती है। फिर इसके बाद एमवे बंटाए का पहला हुक पार्ट आता है। अंदर से बोलता हूँ जब भी मैं खड़ा सामने माइक के। तो एमवे बंटाए बोलते हैं कि काफी अंदर से बोलता हूँ जब मैं खड़ा सामने माइक के। मतलब ये है कि जब एमवे बंटाए माइक पर खड़े होते हैं तो वो अपने अंदर की बात बोलते हैं और वो अपने पूरी दिल की बात कह देते हैं। फिर इसके बाद सेकंड लाइन में एमवे बंटाए बोलते हैं कि बोले काफी बोलता हूँ क्या करूँ लेके रखा घर पे 3-4 माइक में। ये बोले काफी बोलता हूँ क्या करूँ लेके रखा 3-4 माइक घर पे। सो ये लाइन सुनकर मुझको ऐसा लगता है कि एमवे बंटाए ने ये लाइन पिंकी, रफू और हेटर लोगों को बोला है। यही लोग बोलते हैं कि एमवे बंटाए काफी बोलते हैं। इन बंदों को रिप्लाई करते हुए बोला है कि क्या करूं मैं घर पे 3-4 माइक लेके रखा हूं, तभी मैं बोलता हूं। फिर अगली लाइन आ जाती है। इस लाइन में एमवे बंटाए यही बोलते हैं कि उनकी लाइफ में काफी चीजें हुई है, तभी वो इतना ज्यादा बोलते हैं और तभी तो बोलना बनता है। फिर वही एमवे बंटाए का ऑटो ट्यून वाली मेलोडिक वॉइस सुनाई देती है। एंड फिर इसके बाद एक सरप्राइज देखने को मिलता है। अभी आपको याद ही होगा कि एमवे बंटाए ने बोला था कि इस एल्बम के अंदर कोई भी सॉन्ग में हार्डकोर रैप देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन पता नहीं अचानक से काफी खतरनाक हार्डकोर रैप आ जाता है, जिसे देखकर मैं तो एक बार में शॉक हो जाता हूँ। तलब लगे मुझे गाने बनाने की, तभी तो फैला ये बंटाए। मैं तो कभी का बोला था बंटाए मेरे गाने। और ये बात भी छोटे से छोटे बच्चे को पता है, जब भी एमवे बंटाए हार्डकोर रैप करते हैं तो सबके अंदर एक अलग ही लेवल की एनर्जी आ जाती है। रैप के अंदर एमवे बंटाए की एक लाइन ऐसी भी होती है जिसमें उन्होंने बोला है कि मेरे गाने सुनेंगे ये 1 time नहीं 100 बार फिर भी पकड़े नहीं कौन हार्ड। मेरे गाने सुनेंगे ये 1 time नहीं 100 बार फिर भी पकते नहीं कौन हार्ड, मुझे वक्त ही नहीं क्यों। तो ये लाइन पक्का एमवे बंटाए ने पिंकी को बोला होगा। एंड फिर इसके बाद लास्ट लाइन आती है जिसमें एमवे बंटाए ने बोला जो उन्होंने चाहा वो उन्होंने पाया, इसमें ऊपर वाले की रहमत है। बंटाए की पब्लिक, मेरे को तो ये गाना भाई काफी ज्यादा पसंद आया। सो आप लोगों को ये गाना कैसा लगा मुझको कमेंट सेक्शन। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, सबसे पहले तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग एक बार जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये बंदा एमवे का ट्रू फैन है और एमवे के रिगार्डिंग जो भी अपडेट होती है या उनके सॉन्ग्स के ऊपर या जो भी लीक्स रहते हैं सबसे पहले लेके आता है। तो अगर आप भी एमवे के फैन हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और गाइस, एक और एक चीज जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बंदे का 10K सब्सक्राइबर होने वाला है और आप लोग सब मिलके अपने भाई का जैसा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब बारी है ओपिनियन की। तो भाई देखो, एमवे का गाना है तो उसमें
अलग ही मजा आने वाला है, सबको पता है और आता ही है, चाहे फिर एमवीवे का पार्टी सॉन्ग हो या हार्ड कोर रैप हो। मेरे को ये उम्मीद है कि जो एमवीवे एक चीज हार्ड कोर, मतलब अगर हार्ड कोर वो नहीं करेंगे तो फिर मजा भी नहीं आएगा, तो ऐसी वाइब रहनी चाहिए। तो अब मैं ये गाना जरूर सुनने वाला हूँ, और आप लोग अगर अब तक नहीं सुने हो, अगर मेरे जैसे हो, तो आप लोग भी सुन लेना जरूर से। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।